अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। सो आज की जो हमारी फैट डाइट है उसका नाम है ड्यूकन डाइट, और ड्यूकन डाइट को बेसिकली एक फ्रेंच न्यूट्रिशनिस्ट ने स्टार्ट किया था जिनका नाम डॉक्टर पीरे ड्यूका था। इस ड्यूकन डाइट के अंदर बेसिकली हमारा जो इन्हिसार है वो ज़्यादातर लहमियात पर होता है, और जो नशास्ता है उसकी मिकदार हम बहुत कम रखते हैं। इवन उसके अंदर जो नशास्तादार फल हैं उनको भी कम रखा जाता है, और जो नशास्तादार सब्जियां हैं जैसे कि आलू उनकी मिकदार भी बहुत कम रखी जाती है। किसी हद तक हम लिग्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसके अंदर फलियां, मटर और दालें वगैरह आती हैं, और इसके अलावा होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। ज़्यादातर जो इस डाइट में इन्हिसार है वो लहमियात पर होता है, जिसके अंदर मछली, मुर्गी और अंडे हैं, और इसके साथ साथ कम चिकनाई वाली जो दूध या दूध से बनी हुई अशिया हैं उनकी भी इजाज़त होती है। ये डाइट क्लेम करती है कि आप पहले 5 दिनों के अंदर ही 7 से 10 पाउंड्स तक अपना वजन कम कर सकते हैं जैसे ही आप इस डाइट को शुरू करेंगे। 4 फेजेस होती हैं जी इस डाइट की। सबसे जो पहली फेज है उसका नाम होता है अटैक फेज। 1 से लेकर 7 दिनों तक ये फेज हो सकती है। इसके अंदर आप लहमियात का इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई या नशास्ता किसी किस्म की इसमें इस्तेमाल नहीं करते, और इसके साथ साथ 1.5 टेबल स्पून आप ओट ब्रान का इस्तेमाल करते हैं, यानी ओट को जई कहा जाता है उर्दू में। सेकेंड फेज जो क्रूज फेज है वो 1 से लेकर 12 महीने तक की हो सकती है, और इसके अंदर आप लहमियात का इस्तेमाल हर दूसरे दिन करते हैं, और इसके अलावा आप तमाम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं सिवाय उन सब्जियों के जिनमें नशास्ता हो, मिसाल के तौर पे आलू, और सब्जियों को आप कच्ची शक्ल में भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं, स्टीम करके भी खा सकते हैं, उनका सूप बना के भी पी सकते हैं। तीसरी जो फेज है उसको कहते हैं कंसोलिडेशन फेज, और इस फेज के अंदर आप रोजाना की बुनियाद पर फ्रूट का, फल का एक पोर्शन खाते हैं। इसके साथ आप 2 स्लाइसेस ले सकते हैं, लेकिन वो होल ग्रेन्स होने चाहिए, यानी बगैर चने जो आटा है उसके बने हुए हों, और इसके साथ साथ आप 2.5 टेबल स्पून रोजाना ओट ब्रैन इस्तेमाल करते हैं। जो चौथी फेज है उसका नाम स्टेबलाइजेशन फेज है, और चौथी फेज के अंदर आप तीसरी फेज के हिसाब से ही खाते हैं, यानी रोजाना आप 2 स्लाइस होल ग्रेन के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा जनाब आप 1 पोर्शन फ्रूट का रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं इस किस्म की डाइट्स की, तो बाकी तमाम फैट डाइट्स की तरह इस डाइट में भी बहुत सारे मसाइल हैं, और उनके अंदर सबसे पहला मसला तो ये है कि ये डाइट कुछ तरह के खानों को इनकरेज करती है, और कुछ तरह के खानों को जो कुदरती तौर पर हमारे लिए अवेलेबल हैं उनसे बिल्कुल मना कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारी गजाई किल्लत का, गजाई कमी का हम शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से ये डाइट जनरली लो कैलोरी होती है, और जिसकी वजह से हमारे जो एनर्जी लेवल्स हैं सारा दिन वो बहुत कम रह सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की डाइट के अंदर लहमियात का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इन्हिसार होता है, इसकी वजह से बैड ब्रेथ यानी मुंह से बदबू आना वो भी एक बड़ा पोटेंशियल मसला है जो इस तरह की डाइट में होता है। इसके अलावा कब्ज़ की शिकायत अक्सर रिपोर्ट हुई है ऐसी मरीजों के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर जो इस डाइट का इस्तेमाल करते हैं। सो ये काफ़ी सारे मसाइल हैं इस डाइट से मुतलिक, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की डाइट को अडॉप्ट नहीं करेंगे, और अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो हमेशा नेचुरल तरीके से अपना वज़न, अपने पोर्शंस को कंट्रोल करके और बाकायदा तौर पर वर्जिश करके अपना वज़न कम करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, सो दैट बाकी लोगों का भी फायदा हो सके। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें, सो दैट आने वाली तमाम वीडियोज आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।